नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। इनका दिक्कत ये है कि अभी इनकी एज 45 के आसपास में है और पिछले डेढ़ साल से जॉबलेस हैं। अनेकों प्रकार की दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, हर प्रकार की। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? भाग्य रेखा आप हाथ में देख पा रहे होंगे, ठीक है। सारी के सारी इंडिकेशंस यहाँ पर कुल मिलाकर के प्रोमिनेंट ही हैं, अच्छी हैं, शुभ फलदायी हैं। तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? तो दिक्कत यहाँ पर इनके हाथ में इस प्रकार से जब ट्रायंगल बन जाता है तो ये दिक्कत दे देता है। ये ट्रायंगल बहुत मायनों में सही भी होता है, लेकिन जब ये स्ट्रेस लाइन के द्वारा अगर बन रहा हो तो ये जो है प्रॉब्लमेटिक साबित होता है। और इनका एज जो है ये स्टार्ट हो गया है, ये जो इसका परिणाम है ये तकरीबन 43 के एज के आसपास से प्रारंभ हो रहा है और तकरीबन चल रहा है 46 तक। यानी आने वाले 8, 9 या 10 महीने आपको और इसी प्रकार से दिक्कत होने वाला रहेगा इसके कारण से। इस दौरान में एक सबसे अच्छी बात यही है कि एक सपोर्टिव लाइन यानी गार्जियन एंजल लाइन आपके हाथ में चल रही है, जिसके कारण दूसरों का सहयोग अच्छा मिल जाएगा इस दौरान में आपको। मतलब जिस भी प्रकार की ज़रूरत होगी लोगों द्वारा उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी इस समय पर भरपूर मदद करने वाला रहेगा। तो ये जो है बहुत शुभ चिन्ह है, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है, जो तनाव की अभी स्थिति है, इस पर राहत मिलेगी और साथ ही साथ सहयोग के कारण आगे चल करके उन्नति भी आपकी अच्छी हो जाने वाली रहेगी। भाग्य रेखा में भी आप देख पा रहे होंगे कि भाग्य रेखा भी यहाँ पर आकर के इस प्रकार से एक तो पहली टूट गई है और ऊपर से दूसरी वाली जो है कमजोर भी हो रही है और साथ ही साथ शनि पर्वत भी दबा हुआ है। तो कोई भी चीज़ ये शनि जी जो है आसानी से देते नहीं है। ऐसे लोगों को किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ, बाधाएं, इन सब के बाद वो चीज़ें जो ड्रीम जो आपकी रहेगी, एम रहेगा, वो हासिल होने वाला रहेगा। तो ये शनि के कारण ही है मेनली। और खासकर ये राहु जो लाइन्स है, जो जिसे मेनली ट्रबल्स लाइन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है इस दौरान में। तो ये सब कुल मिलाकर के यही सारे योग हैं जिसके कारण आपको तकलीफों का सामना इस प्रकार से करना पड़ रहा है। अब आते हैं ओवरऑल हैंड के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में जो है नॉर्मल देखने को मिल रही है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। तब भी एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी की कमी होगी, इमीडिएटली एक्शन लेंगे, जल्दबाजी में काम करने वाले रहेंगे। साथ ही साथ फिंगर के ऊपर जो फैलेंजेस हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, स्टेमिना बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि हर परिस्थिति से व्यक्ति झेल जाता है, निकल जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ हल्की सी शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल जैसे शर्मिलापन रह सकता है अपोजिट सेक्स के प्रति, अदरवाइज कोई बिग इशू ट्रबल यहाँ पर नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ के कारण, ज़्यादा लेंथ के कारण रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा। यानी यही है कि पास में कुछ सिक्योरिटी आपके रहे या ना रहे, लेकिन रिस्क लेने की बात आई तो कितना भी आप अपने जीवन में रिस्क ले सकते हैं। तो डेयरिंग एक नेचर जो है आपका रहेगा। और साथ ही साथ फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो ये फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है। और यही एकमात्र रीज़न रहेगा कि आप हर माहौल में ढल जाने वाले रहेंगे, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेंगे और हर प्रकार का जो है सहयोग, मित्रता, हर प्रकार की ये सब जो है आपको प्राप्त हो जाने वाली रहेगी। अंगूठा शॉर्ट है तो डिसीजन बहुत जल्दी आप लेने वाले रहेंगे और डिसीजन के अंदर भी चेंजेस बहुत जल्दी करेंगे। तो लाइफ में एक चीज़ ये जान लीजिए कि जब शनि पर्वत कमज़ोर हो तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी काम बीच में अधूरा आप मत छोड़िए। अगर वो छोड़ दिया तो इतना मेहनत किया आपने, एक तो वो भी नहीं मिलेगा और ऊपर से आधा टाइम आपका जो आपको परिणाम मिलने वाले थे वो मिलते मिलते रह गया। तो जब शनि किसी भी व्यक्ति का, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा यही राय है कि अगर कमज़ोर है यानी दबा हुआ है, रेखाएँ कमज़ोर हैं, कुछ किसी भी प्रकार का तकलीफ समझ में अगर आ रहा है तो सर्वप्रथम ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी कार्य अगर प्रारंभ कर दिया है तो उसे मत छोड़िए और नकारात्मक प्रभाव आपको मिल सकता है। तो ये जो है आपको जान लेना चाहिए। अब आते हैं पाम पर, तो शुक्र माउंट आपका ज़्यादा डेवलप है और बाहरी जो मंगल है ये ज़्यादा जो है डेवलप है। शुक्र ज़्यादा डेवलप होने के कारण अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन या झुकाव जो है व्यक्ति का ज़्यादा रहता ही रहता है। शौकीन किस्म का भी एक नेचर होता है और यही रीज़न है कि खर्चीलापन जो है शुक्र के कारण व्यक्ति को बहुत उठाना पड़ता है। मतलब ये है कि आमदनी हुई नहीं कि 10 मार्ग खुले हुए हैं उस पैसे के जाने के लिए। तो ये जो है शुक्र के कारण मेनली रहता है। और जब बाहरी मंगल भी थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ हो तो गुस्सेल स्वभाव तो व्यक्ति के अंदर ना ही होना चाहिए, मतलब 0%। अगर गुस्सा थोड़ा बहुत भी तनिक भी है, अगर है तो दिक्कत का सामना करना पड़ जो है व्यक्ति को सकता है, क्योंकि ऐसे लोग गुस्से में अपना पूरा आपा खो देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक तो जुनून भी ऐसे लोगों में बहुत होता है मंगल के कारण,
और ऊपर से उस जुनून को अगर क्रोध में परिवर्तित कर दिया जाए तो हानि बहुत मिलनी है। इन लोगों की खूबी अगर आप देखेंगे तो यही मिलेगा कि ये लोग बहुत फुर्तीले होते हैं और बहुत जुनून से किसी भी नए व्यक्ति के साथ मिलने वाले होते हैं। तो जो जिस भी व्यक्ति से ऐसे लोग मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, लग रहा है बहुत पुराना रिलेशन है। तो ये मंगल ही आपको करवा रहा है इतना जुनून और इतना आपके अंदर जो साहस दे रहा है। आते हैं यहाँ पर गुरु पर्वत पे, तो गुरु जो पर्वत है आपका वीक है। जब गुरु पर्वत वीक होता है तो नॉलेज गेन करने में भी परेशानी व्यक्ति को उठानी पड़ती है, सुख सुविधाओं में भी किसी प्रकार का सेक्रीफाइस कमी होती है, और सर्वप्रथम जो वैवाहिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, सांसारिक सुख है, उसे भी मिलने में किसी प्रकार की तकलीफ आती ही आती है। तो गुरु के उपाय करना यहाँ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये भाग्य व्यक्ति का बढ़ाता है। और आड़ी जो जितनी यहाँ रेखा है ये दयालुपन को व्यक्ति के बढ़ाती है, साथ ही साथ ये बता रही है कि जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस आप अर्जित कर पाएंगे। और ये एक से ज़्यादा सोर्सेज से अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। माइंड लाइन से भी जो है आपकी रेखाएं निकली हुई हैं, जो एक प्रकार के प्रोग्रेस को ही बताती है, साथ ही साथ ये एम्बिशियस नेचर को बताती है कि आप कभी हार नहीं मानने वाले होंगे। शनि पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है, इसके रेमेडीज़ में दूंगा आपको, और जिससे बहुत आपको जो है शुभ परिणाम हासिल होंगे। और जो सूर्य पर्वत है यहाँ थोड़े नेगेटिव साइन है, जैसे यहाँ एक क्रॉस आपको देखने को मिल जाएगा, फिर अन्य रेखाएं भी यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, फिर एक रेखा इस प्रकार से है जिसकी एक ब्रांच निकल के थोड़ी लहरदार यहाँ पर चल रही, जो कि सही नहीं होता है अपने आप में, फिर आड़ी रेखा भी यहाँ पर है। तो सूर्य की यहाँ पर जो है मुझे सही नहीं दिख रहा है, सूर्य की खराबी के कारण करियर में प्रॉब्लम आती है। जब सूर्य भी खराब हो तो अपने ही लोग सर्वप्रथम धोखा देते हैं, पिता वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध जो है मधुर नहीं रह पाते हैं, नौकरी पेशा इन सब में भी चेंजेस जो है दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, छूटती रहती है, फिर कोई नई ज्वाइनिंग होगी, फिर वापस छूटेगी किसी कारण से, फिर तीसरा कोई जॉब लगेगा। तो ये जितने भी जो प्रॉब्लम है, जो लाइफ में प्रॉपरली सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो जिस पद पर आपको होना चाहिए अभी वहाँ पर नहीं है आप, और जो नेम फेम मिलना चाहिए वो भी नहीं है, या जो जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो आपको नहीं है, तो सूर्य के कारण ही वो हैं। सूर्य रेखा जरूर यहाँ मौजूद है, जो व्यक्ति को यश वैभव को ही बताती है कि लाइफ में बहुत व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस गेन करेगा, लेकिन एक दो भी नेगेटिव साइन हो तो वो सक्सेस भी नेगेटिव ही हो जाती है। तो इसीलिए सूर्य के उपाय भी यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरकरी माउंट यानी बुध पर आए तो बुध पर एक से अत्यधिक रेखा बहुत शुभ होती है। ऐसे व्यक्ति को पता है कि किस परिस्थिति में क्या काम करना है, बुद्धि का जो है प्रॉपर यूज जो है उपयोग ऐसे लोग करना जानते हैं, और साथ ही साथ बोलने की कला कहीं ना कहीं बहुत मीठी भी रहती है, या फिर किसी ना किसी प्रकार का एक आकर्षित व्यक्तित्व रहता है जिसके कारण दूसरे लोग इनसे बंधे हुए रहें या फिर ये जो है लोगों को बांधे रखें। तो ये लोग व्यापार में अगर घुस जाएं तो ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले होते, क्योंकि बहुत प्रोग्रेस मिलता है इनको व्यापार में और लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। तो व्यापार भी जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और जो हृदय रेखा है ये गुरु से कनेक्टेड है, विष्णु सिंबल बना रही है, तो स्टार्टिंग लाइफ ट्रबल में है यानी मुसीबतों में गया है, और अब आगे जो है ये मुसीबतें कम होंगी। और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत माइनर से जो है आइलैंड बने हुए हैं, ये हेल्थ रिलेटेड ट्रबल मुसीबत को ही बताते हैं। तो इसके लिए जो है आपको रेमेडीज थोड़ी जो मैं व्हाट्सएप पे दूंगा वो करनी रहेगी। और नीचे जितनी रेखा आ रही है ये अपनों से ही धोखा अनबन के ही योगों को बता रहा है कि आपके तरफ से तो 100% था, लेकिन सामने से वो उस प्रकार का सहयोग या उस प्रकार का जो रिलेशन जो बिल्ड आपने किया वो मिल नहीं पाया रिजल्ट, तो उससे भी व्यक्ति दुखी होता है। तो थोड़े इमोशनल नेचर जो है इसके कारण आपका रहने वाला रहेगा। आते हैं हृदय रेखा के ऊपर, तो हृदय रेखा के बाद मस्तिष्क रेखा आपकी इस प्रकार से डिक्लाइन चल रही है और बायफोर्क भी हुई है। तो बायफोर्क होने के कारण बेनिफिट यह है कि व्यक्ति थोड़ा कहीं ना कहीं चतुर चालाक होता है, उसको पता है कि मेरा काम कैसे निकलने वाला है और मैं अब क्या करूं कि मुसीबतें कम हों। तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक के कारण लाइफ में उन्नति को प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी डिक्लाइन होने के कारण जैसे ओवर थिंकिंग है, बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लग जाना, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाना इसके कारण है। तो थोड़ा इस पर भी आपको काबू रखना जो है यहाँ पर पड़ेगा, और अपने जिद्दीपन पे थोड़ा सा कंट्रोल भी आपको रखना है, क्योंकि जब लाइफ लाइन से गैप बना के चलती है माइंड लाइन, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता ही होता है। और साथ में जो हृदय रेखा है आपकी और मस्तिष्क रेखा के बाद जो लाइफ लाइन है वो भी इस प्रकार से चल रही है, एक छोटा सा आइलैंड फिर स्टार्टिंग लाइफ में बना है, फिर उसके बाद से रेखा सीधे जो है यहाँ पर आपके शुक्र की तरफ झुक रही है, और शाखा जो है आपके
जो है चंद्र तक जा रही है। तो विदेशी भ्रमण बहुत अच्छा रहेगा, जीवन का बहुत अच्छा लम्हा विदेश में आप व्यतीत करेंगे, और साथ ही साथ जो वापस है आप अपने जन्म स्थान पर ही आ जाएंगे। उम्र की चर्चा करें तो अच्छी खासी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 80 के अप्रोक्स में जो है, उससे प्लस में 80 प्लस जो है आपकी आसानी से प्रेडिक्ट हो रहा है। और हल्की हल्की कुछ कुछ माइनर माइनर सी लाइन है जो प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है, जो निरंतर आपको मिलने वाली रहेगी। एक बस राहु रेखा के कारण अभी जो है आपको ट्रबल इस प्रकार से करना पड़ रहा है, हालांकि आगे चल के भी आप अपने मेहनत अपने एफर्ट्स के कारण लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर लेने वाले रहेंगे। लक लाइन भी जो है आपकी स्टार्ट हुई है मून के ही एरिया से, जिसके कारण शादी के बाद व्यक्ति को प्रोग्रेस अच्छा मिलता है। फीमेल लक जो है व्यक्ति का रहता है, जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस मिलता है, और इसी प्रकार से ये जो है आगे चल कर थोड़ा जो कमज़ोर हुआ है इसके कारण थोड़ी अभी तकलीफें उठानी पड़ रही है, लेकिन अब आगे ये सब कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा यहाँ पर जो है वीक है, हल्का सा प्रॉपरली एरिया जो है नहीं ले पा रहा, तो शारीरिक गठन या ऊर्जा में हल्की कमी रह सकती है, लेकिन शुक्र जो है आपका यहाँ पर ओवर है, तो थोड़ा सा शौकीन अगर किसी चीज़ के शौकीन हैं, लत है अगर किसी चीज़ की, तो छुटकारा पा लीजिए, नुकसान ज़्यादा रहेगा आपको। और उस पैसे को जो है लग्जरीज अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में जो है करिए, तो ये जो है बेनिफिट्स आपको अच्छे देगा। केतु पर्वत पर भी इस प्रकार से जब विभाजित होकर के रेखाएं जब यहाँ से निकले, तो ये जन्म स्थान से दूर जो है व्यक्ति को खूब प्रोग्रेस देती है इस प्रकार से यहाँ पर। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये जो है केतु उतने शुभ परिणाम दे देने वाला रहेगा। शुक्र से ही रेखा निकल के चंद्र पर जा रही है, तो ये विया लाइसा विया इसे जो है कहा जाता है, जो एडिक्शन को ही इंडिकेट करती है, और उस एडिक्शन यानी लत के कारण व्यक्ति बहुत मुसीबतों का सामना करना ऐसे लोगों को पड़ता है, पेट से रिलेटेड तकलीफ परेशानी को भी बताता है। इसीलिए आपको मैं बार बार हिदायत दे रहा हूँ कि ये सब कुछ भी है तो छोड़िए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये रेखा निकली हुई है ये बिजनेस लक लाइन है, जो व्यापार में बहुत उन्नति दिलाती है, और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल हो रहा है जिसके कारण धन जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा, बचेगा और बढ़ेगा भी। वो आपके ऊपर है कि उस पैसा को आप क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं। हालांकि अगर व्यापार के क्षेत्र में अगर आप चल जाएं तो कभी पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और रह गया हो तो जरूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत